नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के अतिथि शिक्षकों को लेकर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। शिक्षकों के अपमान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस सद्बुद्धि आंदोलन चलाएगी। कांग्रेस को पूरे प्रदेश में शिक्षकों का चरण पूजन और सम्मान करेगी। इसके लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को जिम्मेदारी सौंपी है। ये परंपरा है प्राचीन भारत पर, ये परंपरा है भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की। जिस तरीके से शिक्षकों का अपमान कल आदरणीय शिक्षा मंत्री जी ने किया, मैं मानता हूँ कि मोहन यादव ने उनका इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। और अगर मोहन यादव इस्तीफा नहीं ले तो मोहन यादव प्रदेश के शिक्षकों से माफ़ी मांगना चाहिए। 5 साल के लिए आए हैं मेहमान बनकर और शिक्षकों को डराएंगे धमकाएंगे। मेहमान बनकर शिक्षक अतिथि शिक्षक नहीं आए, आपकी व्यवस्था में लूच पूंच था, कमियां थी, इसलिए अतिथि शिक्षक उनको बनके बच्चों को शिक्षा देनी पड़ रही। अगर आप व्यवस्थित करते तो इनको नियमित करते, इनकी लगातार नियुक्तियाँ होती तो नियमित स्कूल परंपरागत जो चलते हैं उसमें शिक्षकों की जो भर्ती पीएससी के माध्यम से होती है वैसे होती। यस, इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।